हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब भाइयों, आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के, बज रहे हैं 8 और मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग की क्लीनिंग। और ये पैड ऊंचा नीचा हो रहा था, तो मैंने आज फिर से अपने घर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करी है। ये बेड उधर सामने की साइड लगा कर रहा था, वो टीवी का जो बोर्ड है वहाँ पे वो हिलता था उसका तार, तो मैंने इसका सिराना घुमा के दूसरे द्वार से लगाया है। और बस यही अभी मैंने सब कुछ कर दिया है। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और आपके साथ अभी मैं शेयर करूँ, दिखाऊँगी कैसे कैसे। पहले सामने वाली दीवार पे था ये सिराना और मैंने इस वाली दीवार पे लगा दिया है। और ये फ्रिज भी मैंने इसी कोने में लगा दिया है, पहले दूसरे वाले कोने में इधर की साइड रखा था, तो पूरा कमरा घिरा हुआ था। तो हम अलमारी और बेड और ये तीनों एक साइड में आ गए हैं, तो ये वाला कोना सारा खाली हो गया है। ये काफ़ी स्पेस मिल गया है कमरे में, नहीं तो पूरा कमरा घिरा हुआ था। झाड़ू वगैरह भी सही से नहीं लग पा रही थी, तो बस ऐसी कर दी है मैंने आपके पास सेटिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। और अब के बार मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि कमरा भी थोड़ा खुला खुला सा हो गया है। और ये बेड भी ऊँचे नीचे बैठा वहाँ पे हिल रहा था, और पीछे से आगे से सिराना हिलता था, तो टीवी का तार हिल जाता था, इसलिए मैंने इधर को कर दिया है। तो बस सुबह सुबह मैंने ये किया था अभी, और मेरा ये सारा काम हो गया है। समीक्षा पढ़े तो सभी समित को आशीर्वाद देना। तो ये समित की जैकेट लेके आई थी, वही पहन के देख रहा था, उसके बर्थडे के लिए उसकी मम्मी लेके आई थी, तो उसे ही ट्राई कर रहा था वो। तो और मेरा काम सारा हो गया है, बना ली हूँ, अभी मैं बना रही हूँ चाय सुबह की। तो बस अभी क्लीनिंग का तो मेरा सारा काम हो गया है, अभी मैं बनाऊंगी चाय बच्चों के लिए। आ जाइए आप भी पी लीजिए। दूसरे साइड पे मैं कर रही हूँ दूध गर्म। तो ये जो बड़े वाली गैस है ये ख़राब हो गई है, अगर इसको हम मंदा करते हैं तो बंद हो जाती है, तो इसलिए मैंने गैस चाय में उबाल आ गया है तो छोटे वाली गैस पे रखती है। और इसको मंदा करके अभी इसको मैं और पकाऊँगी, क्योंकि तेज बंदा करने में वो बड़े वाली गैस बिल्कुल बंद हो जाती है। दिखाऊंगी मैं उसको। और समित का बर्थडे है जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो समित लेके आया था समोसे हमारे लिए और सबके लिए ही लेके आया अपनी साइड से। तो बस अभी हम खाएंगे चाय समोसे। आ जाइए आप भी खा लीजिए, पार्टी है आज समित की तरफ से आप सभी को। और समित को आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने जीवन में आगे जाके काफ़ी तरक्की करे। और चाय छान रही थी मैं, तो तभी मेरा दूध से ध्यान हट गया, और जब तक दूध निकल गया मंदी करी तो फिर वो बंद हो गई, लेकिन दूध फिर भी निकल गया था। अब मैंने बंद कर दिया, बड़े वाली गैस बंद कर दी है और छोटे वाली गैस पे मंदा करके पकने के लिए दूध रख दिया है। और बड़े वाली गैस पे तो जो कुछ बनाओ उसके वहीं पे ही खड़े रहना पड़ता है, तब होता है, नहीं तो चीज़ निकलनी ही निकलनी उस पर। और मैं दिखाऊँगी उसको, सही करवाऊँगी जल्दी ही। और ये देखिए मेरा कमरा कुछ ऐसा लग रहा है, प्लीज बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। मैं भी जाऊँ। और काम मेरा सारा हो गया है, नाश्ता मैंने बना लिया है, बंशी का
नहारी है अभी और निधि नीचे गई है। तो बस, और अंकित नहा चुका है, अंकित नाश्ता कर रहा है और मैं, हम दोनों कर लेंगे। तब तक वंशिका भी नहा के आ जाएगी। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं अभी। और आज हमारे दिन में भी एक पार्टी है, वहाँ पे भी हम जाएंगे अभी। जो मेरे जेठ और जेठानी हैं उनकी 25वीं शादी की सालगिरह है आज, सिल्वर जुबली, तो वहाँ पे भी जाएंगे अभी हम और बच्चे। मेरी बहन तो नहीं जा पाएगी क्योंकि वो भी इतनी ज़्यादा चलती फिरती है नहीं, और इतना खाना भी ऐसा नहीं खा सकते, सिंपल ही खाना खा रही है, खिचड़ी वगैरह। तो बस अभी हम वहाँ पे जाएंगे। 12:30 का टाइम हो रहा है ये। और ये गिफ्ट लेके आई थी मैं उनके लिए, बड़े हैं तो कई बार सोचना पड़ता है कि बड़ों को क्या दें। तो बस घूम फिर के सोच समझ के कुछ ये गिफ्ट में लेके आ गई। और ये निधि तैयार हो रही है, और ये मेरी भतीजी छोटी वाली और वंशिका। तो बस अभी हम जल्दी से जाएंगे, थोड़ी सी जल्दी और जल्दी ही आ जाएंगे। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ और वंशिका निधि भी तैयार हो गए हैं। क्लीनिंग वगैरह का ही काम सारा हो गया है, इसके पापा ड्यूटी चले गए हैं, उनके लिए सुबह मैंने खाना बना दिया था। और ये अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो खाना वगैरह तो कुछ बनाना ही नहीं है, हमें खाना वहीं पे ही खाएंगे। और शाम को समीर का बर्थडे है, वहाँ पे बनेगा। और ये वाला मैंने सूट डाला है, ये जो मेरी बहन ने सिला था और मेरी बड़े वाली बहन ने दिलवाया है ये मुझे। तो प्लीज़ बताना कैसा लग रहा है, ये मैंने आज पहली बार डाला है, वो कल ही सिलवाया था, मेरी छोटे वाली बहन ने सिला था। तो बस अभी हम तैयार हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं वहाँ अपनी जेठानी के यहाँ पे। और हम आ गए हैं, तो ये बच्चे ही खाना बना रहे थे, और इसके मामा मामी और बस हामिद थे घर के, इन्होंने ये हम सब भी बुला रखे थे घर के थे, और इसके मामा मामी आ रहे थे। तो खाना पीना तो इन्होंने सारा कुछ बना रखा है, सब्जी छोले की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी बना रखी थी और पूड़ी। तो बस हम खाना खा लेंगे, खाना तैयार है। और हम जल्दी ही आ गए थे क्योंकि मेरी बहन थी यहाँ पे और भाभी थी, भाभी को हम नहीं लेके गए थे। और ये शाम का टाइम है, अभी हम बना रहे हैं खाना पीना, समित का बर्थडे है आज, तो सब्जी वगैरह। दूसरी भाभी भी आई हुई है छोटे वाली और उनके बच्चे। तो और हम हैं बस, कोई भी बाहर का नहीं बुला रखा है, घर घर के ही हैं। और खाना पीना हमारा हो गया, ये है छोटे वाली भाभी, तो ये भी आई है शाम के ही टाइम। और वहाँ से हम जल्दी ही आ गए थे, खाना खा के ही, खाना तैयार था वहाँ पे, और ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पे ही है वो भी हमारे जेठ का घर। तो बस अभी शाम के टाइम वंशिका और उसकी मामी बना रही हैं पूड़ी। पूड़ी ज़्यादा नहीं बनेगी, थोड़ी बहुत ही बनाएंगे हम। हमने वैसे पनीर की सब्जी और छोले वो सॉरी पनीर की सब्जी और चावल बना रखे हैं, तो पूड़ी भी कम बनेगी। तो बस अभी समनित का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, शुरू हो गई है समनित की पार्टी। और खाना पीना तो सारा बन चुका है, जल्दी ही खाना बना लिया था क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है तो नहीं बना पाते हैं। और बच्चे खाना खा रहे हैं, सभी पूड़ी बन रही हैं, और अभी हम खाएंगे बाद में जब केक वगैरह काटेंगे। इसके मामा अभी छोटे वाले मामा जा रहे हैं समित को केक दिलवाने के लिए, तो बच्चों को खाना दे दिया है। तो और हम खाएंगे अभी थोड़ी लेट क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 7:30 बजे हैं। तो बस इस वीडियो को मैं हैप्पी एंड करूँगी, इससे आगे की वीडियो मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में शेयर। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना।